राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्रेंड्स ये देखिए, मैं कान्हा जी के लिए ये शरद पूर्णिमा के लिए ये प्यारी सी वाइट रोज फ्लावर ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, इसके अंदर मैंने ये रोज फ्लावर्स का यूज़ किया, इसके ऊपर मैंने ये सिल्वर स्टोन्स लगाए हैं, स्टोन की चेन लगाई है और साथ में इन पोलन्स को लगाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। ये प्योर वाइट में मैंने बनाई है। देखिए इसका डायमीटर है 8.5 इंच, वैसे मैं 7.5 इंच बनाती हूँ 4 नंबर के कान्हा जी के लिए, या 1/2 इंच। ये पोलन्स जो हमने बाहर लगाए हैं इसकी वजह से ये 8.5 इंच की हो गई है, 1/2 इंच बढ़ गई है। तो इसका बेस जो है हम 7.5 इंच का काटेंगे, फिर 1/2 इंच ये बढ़ जाएगी, ये 4 नंबर, 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए आ जाएगी। वैसे तो फ्रेंड्स मैंने बेस आपको जो है पहली वीडियोस में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ। ये देखिए 8.5 इंच का इसका डायमीटर है, लेकिन हम बेस 7.5 इंच के हिसाब से काटेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए देखिए हम कंपस लेंगे अपना, और कंपस लेकर हम ये देखिए हम कंपस से जितना भी हमारा डायमीटर आए फ्रेंड्स, अपनी कोई भी कान्हा जी की ड्रेस लीजिए, उसका डायमीटर मेज़र कीजिए और उसका हाफ होल कर कंपस में। ये देखिए जैसे इसका है 7.5, तो हम 4.25 इंच इसमें कंपस में खोल लेंगे और अपनी हम पेस्टिंग वाली बुकरम लेंगे और उसके ऊपर हम एक सर्कल बना लेंगे और ऐसे ही पेपर पेस्टिंग लेंगे, उसको भी सर्कल सेम बनाकर दोनों को हम पेस्ट कर देंगे। उसके ऊपर हम अपना वाइट पेस्टिंग का बेस लगा देंगे, जो हम फैब्रिक लेंगे, वाइट फैब्रिक लेंगे, उसको हम पेस्ट कर देंगे। उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर करके कट कर लेंगे देखिए, और अंदर की साइड कर हम फोल्ड कर स्टिच कर देंगे इसको, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे, तो हमारा बेस रेडी हो जाएगा। वो मैं आपको अभी आगे अपनी वीडियो में दिखाऊंगी बेस, अगर आपको मेरा, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ठाकुर जी की ये प्यारी सी वाइट ड्रेस बनाना घर पर ही सीख सकें। और चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने अपना बेस बनाकर तैयार कर लिया है। इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग और पेस्टिंग वाली बुकरम और ऊपर मैंने इसका वाइट कॉटन का फैब्रिक लिया है, जो मैंने आपको पीछे बताया है कि कैसे कर चिपकाना है। और ये देखिए ये 7.5 इंच का मैंने अपना बेस काटा है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी और वीडियोस में भी बता रखा है बेस बनाना, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हम ऐसे 1/2 इंच की दूरी पर कट कर लेंगे। आप बड़े छोटे कान्हा जी के लिए अगर बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कट कर लीजिए। बड़े की बना रहे हैं तो बड़ा सर्कल कट कीजिएगा, छोटा बना रहे हैं तो छोटा सर्कल कट कीजिएगा। और बीच में से फिर हम एक कट लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा बेस बनकर तैयार है कान्हा जी के लिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है 1/2 इंच का, क्योंकि यहाँ पर हम अपने फ्लावर्स चिपकाएंगे। तो ये देखिए 1/2 इंच का मैंने ऐसे निशान लगा लगा कर, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे मैंने सर्कल कर लिया। या तो आप कंपस में भी खोलकर ऐसे बिल्कुल बीच में रखकर और 1/2 इंच छोड़कर एक ऐसे सर्कल बना सकते हैं, ऐसे भी निशान लग जाएगा। और ये देखिए जो दूसरा है, क्योंकि हम डबल लेयर लगाएंगे इसमें, तो हम ऐसे, ये देखिए ये टोटल बेस हमारा 3 इंच का है, हमने 1/2 इंच वहाँ पे छोड़ दिया। 1.5 इंच की दूरी पर मैंने अपना एक और निशान ऐसे ही 1.5 इंच रखकर मैंने निशान लगा लिया है सर्कल का। आप अगर बड़े कान्हा जी की बना रही हैं तो आप जितना आपके पास स्पेस बचे उसके अकॉर्डिंग आपको जितनी यहाँ पर जितनी बड़ी लेयर लगानी है, अगर ऊपर बड़ी लगानी है तो आप ऊपर बड़ा छोड़िए, अगर नीचे लगानी है तो नीचे बड़ा, या दोनों इक्वल लगानी है तो दोनों को हाफ पोर्शन में बांटकर उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे पूरा सर्कल बन जाएगा। ये मैंने अपना निशान लगा लिया है इस तरीके से। अब हम अपना पहले नीचे वाले सर्कल पर नेट लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये आ रहा है 1.5 इंच, तो हम अपने नेट की, ये देखिए वाइट नेट की जो पट्टी है ये मैंने काट ली। हम डबल करके नेट लगाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए 3 इंच की, 3 से हल्का सा 1 पॉइंट हम ज़्यादा ले लेंगे, 1-2 पॉइंट, 3 इंच तक की, क्योंकि थोड़ा स्टिचिंग में फ़र्क आ जाता है फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से
और पूरी ये देखिए लंबाई में आपका जितना कपड़े का अर्ज हो वो ले लीजिए और इसकी दो या तीन पट्टी काटिए फ्रेंड्स और इनको आपस में जोड़कर ये देखिए ऐसे सिलाई लगा लीजिएगा, वरना ये छोटी रह जाएगी। अगर छोटी रह जाए आपकी प्लेट्स तो और काट कर उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे डबल, और यहाँ पर अगर आप वैसे नहीं लगा सकते तो आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ये देखिए ऐसे प्लेट्स डालकर हम पहले नीचे वाले सर्कल पे लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम ऊपर का लगा देंगे तो नीचे का लगाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो लगेगा नहीं। ये जो हमने अपना सर्कल का निशान लगाया है उसके पास रखकर ये प्लेट्स ऐसे, ये देखिए प्लेट्स ऐसे रखकर और हम इस पर स्टिचिंग कर लेंगे ऐसे। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको, ऐसे प्लेट्स डालकर, प्लेट्स फ्रेंड्स हमारी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, अगर हम दूर दूर कोई दूर कोई पास लगा देंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे ये प्लेट्स डाल के हम यहाँ पर अपना लगाएंगे अपनी नेट को इस तरीके से, हाफ हाफ इंच पर हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे यहाँ तक पूरा सर्कल। ये देखिए मैं आपको मशीन से भी एक बार लगाना बता देती हूँ। देखो मैंने रखी और ये मशीन चलाई, थोड़ी सी एक प्लेट डाल के मैंने रख लिया था, अब ये देखिए फिर मैंने ये एक प्लेट डाली और बिल्कुल दूसरी प्लेट के पास रखेंगे और नीचे से भी ध्यान रखेंगे कि हमारी इक्वल आए। अगर नीचे से थोड़ा नीचे जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा ऊपर से आगे कर देंगे उसको। देखिए फिर हम एक इंच की दूरी पर से एक प्लेट लेंगे और बिल्कुल दूसरी वाली प्लेट के एकदम नज़दीक ले जाकर रख देंगे और फिर मशीन से हल्का हल्का चलाते हुए ऐसे प्लेट को दबा देंगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते तो फ्रेंड ऐसे इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऊपर की साइड कॉर्नर पे सिलाई लगाकर और फिर उसके बाद आप ये प्लेट्स डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही मैं पूरा प्लेट्स अपने इक्वल्स डाल डाल के उस कॉर्नर तक लगाते हुए अपने सर्कल को पूरा करूँगी। ये देखिए मैंने पूरा ये लगा लिया है, देखिए नीचे से मेरा बिल्कुल इक्वल आ रहा है मेरा। अब हम ये देखिए ऊपर वाले सर्कल को मेज़र करेंगे, ये भी हमारा 1.5 इंच का है, देखिए जो हम सिलाई से और ऊपर कॉर्नर तक मेज़र करेंगे। इसकी भी हमने ऐसी नेट की पट्टी अपनी वाइट नेट की पट्टी काट ली है, ये देखिए ये भी मैंने पूरी 3 इंच की पट्टी काटी है, 3 इंच से वही फ्रेंड्स 3.25 इंच की काटी है, क्योंकि हमारी सिलाई नीचे की स्टिचिंग दिखनी नहीं चाहिए चाहिए वो स्टिचिंग से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। वही मैंने अपने अर्ज जितना पूरा कपड़ा कट कर लिया है, आप भी दो पट्टियां कट कर लीजिएगा जैसे मैंने फर्स्ट नीचे बताई है, ये सेम उसी तरीके से लगेगी फ्रेंड्स। इसमें हम ऊपर जो छोटा सर्कल है उसके पास से इसको लगाएंगे, सेम जैसे नीचे लगाया है वैसे ही हम ऊपर भी इसमें प्लेट्स डालकर लगाएंगे। देखिए ऐसे बिल्कुल पास में प्लेट्स रखकर जैसे मैंने आपको नीचे बताया था फ्रेंड्स, वैसे ही हम ऊपर की सेम ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए बिल्कुल 1/2 इंच की दूरी पर स्टिचिंग करते हुए हम अपने ये सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने अपना लगा लिया दूसरी लेयर भी ऐसे, और इसके एक कॉर्नर पे फ्रेंड्स मैंने ये सिल्वर कलर की मेरी गोटा था ये मैंने लगा दिया। यहाँ पे मैंने सिल्वर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे प्योर वाइट कलर से की ही ये ड्रेस बनानी है अपनी शरद पूर्णिमा के लिए इसलिए। और इसके ऊपर अब ये देखिए मैंने अपने वाइट कॉटन का जो फैब्रिक मैंने नीचे बेस पर लगाया उसकी ही एक पट्टी मैंने कट कर ली है, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। लंबाई फ्रेंड्स अंदाजे से ऐसे ही बड़ी आप ले लीजिएगा, इसको फोल्ड करके जब पूरी आप लगा देंगे तो उसके बाद अगर बच्चे तो कट कर दीजिएगा, क्योंकि छोटी रहती है तो दिक्कत हो जाती है। ये देखिए हम बैक साइड जाकर और इस पर ऐसे स्टिचिंग करेंगे, मैंने आपको और अपनी ड्रेसेस में भी बता रखी है तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं जाकर। ये देखिए 1/2 इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे, सॉरी स्टिचिंग कर लेंगे, उसके बाद जब पूरी स्टिचिंग हो जाएगी तो हम इसको अंदर की साइड ले देंगे। देखिए मैंने वहाँ से स्टिचिंग कर लिया, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था पूरा होने के बाद कट कर दिया है, और ये देखिए इसको मैंने बाहर की साइड ले लिया है फ्रंट पर। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स ये सिल्वर कलर की मेरे पास लेस थी, आप कोई भी डोरी या वाइट कलर की कपड़े की डोरी भी बनाकर
लगा सकते हैं। ये डोरी फ्रेंड्स हाथ की हाथ हमें इसके अंदर लगानी है, क्योंकि बाद में ये डोरी डलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए ये देखिए हल्का सा फोल्ड करके अपनी हमने लेस को अंदर ही ध्यान से, कि ये भी स्टिच ना हो जाए, बिल्कुल ध्यान से ऐसे फोल्ड, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए, और हमें बिल्कुल गोल स्टिचिंग करनी है यहाँ तक अपनी डोरी को एडजस्ट करते हुए। ये देखिए मैंने लगा ली है, ऐसे हम बिल्कुल एडजस्ट करते हुए डोरी का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे मोड़ मोड़ कर स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स अपनी ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। देखिए वाइट रोज फ्लावर ये ऐसे मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और ये पोलेंस हैं, इसमें ये जो तार होता है फ्रेंड्स इसको हम कट कर लेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से कट करेंगे ऐसे। और ये पोलेंस फ्रेंड्स ये बहुत बड़े होते हैं, इसके मेरे को प्योर वाइट बनानी है इसलिए मैंने इसमें से एक ग्रीन कलर के वो लीव्स हटा दी हैं, और इसको हमने कट कर लिया है थोड़ा, बिल्कुल पास से मत करिएगा फ्रेंड नहीं तो ये सारे निकल जाएंगे। अब हम हॉट ग्लू लगा लगा कर फैब्रिक ग्लू से फ्रेंड्स ये ज़्यादा मजबूती से नहीं चिपकेंगे, तो आप हॉट ग्लू गन का यूज़ कीजिएगा इसके लिए। अगर चाहें तो फैब्रिक ग्लू का अगर यूज़ करें तो आप ओवरनाइट या 2 से 3 घंटे इसको सूखने के लिए रखिएगा। पहले हमने रोज़ फ्लावर लगाया, अब इसके साथ बिल्कुल ही ये पोलन लगाएंगे हम हॉट ग्लू लगाकर। पोलन फ्रेंड्स ये जो हमारी नेट है इसके नीचे करके लगाइएगा, वरना ऊपर इसका ग्रीन कलर का पार्ट नज़र आएगा। अब फ्लावर लगाएंगे ऐसे, फिर एक पोलन लगाएंगे। अगर आपके पास फ्रेंड फ्लावर्स ना हो, पोलन्स ना हो, आपको ना मिलें, तो आप इसकी जगह यहाँ पर पॉम्पॉम्स भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर के पॉम्पॉम्स भी लगा सकते हैं, वो भी फ्लावर का ही लुक देते हैं। या आपके पास जो भी चीज़ हो, कोई और फ्लावर्स हो तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उससे अपनी ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे एक पोलन, और बिल्कुल रोज़ फ्लावर दूसरे से टच करते हुए हमें लगाना है। ये ऐसे ही मैं पूरे सर्कल पे अपने यहाँ तक फिनिश करूँगी, लगाऊँगी। ये देखिए मैंने पूरे सर्कल पे लगा लिया है, ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है। ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ और भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए इसके कॉर्नर्स पे मैं ये स्टोन चेन लगा दूंगी, जो मैंने ऊपर चोली की लहंगे, एज अ लहंगा स्टाइल ड्रेस है फ्रेंड्स, तो जैसे लहंगे की जो हमने ऊपर अपने ड्रेस के इसके कॉर्नर्स पर मैं ये स्टोन चेन चिपकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही मैं पूरे उधर तक चिपका लूंगी। ये देखिए मैंने दूसरे कॉर्नर तक अपनी स्टोन चेन चिपका ली है यहाँ पर, आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और ये देखिए मैंने ऊपर जो अपनी दूसरी लेयर बनाई थी उसके ऊपर भी ये फ्लावर्स चिपका दिए हैं, देखिए सारे में। और ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पास सिल्वर स्टोन्स थे, ये मैंने अपने फ्लावर्स के ऊपर लगा दिए हैं, इससे और ज़्यादा चाहिए, मैंने फैब्रिक ग्लू से लगाया, आप हॉट ग्लू से भी लगा सकते हैं, फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हैं। और ये फ्लावर्स चिपकाते हुए वक्त आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो ये देखिए मैं उठा के दिखा रही हूँ आपको, कि ये नीचे से चिपकने ही नहीं चाहिए हमारी ये लेयर, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चिपक जाएगी तो फ्लावर्स एकदम बैठे बैठे रहेंगे, अब ये थोड़ा से खड़े खड़े से हमारे अलग लुक आती है ड्रेस में, तो ये चिपकने नीचे, इस बात का ध्यान रखते हुए आप इन फ्लावर्स को चिपकाइएगा। और ये देखिए जो नीचे हमारी जो लेयर थी जो बची हुई है इसके ऊपर भी मैं अपने ये सिल्वर स्टोन्स चिपका दूंगी, ये भी बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप चिपकाना चाहते हैं तो चिपका सकते हैं।
नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। ऐसे ऐसे मैं यहाँ तक पूरा अपना चिपका लूंगी फैब्रिक ग्लू से। ये देखिए डोरी पे भी फ्रेंड्स मैं रोज फ्लावर ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं पूरी रोज फ्लावर, मैंने अपना पूरा थीम जो है वो रोज फ्लावर का लिया है, तो इसलिए मैं इसकी इनकी डोरी पर भी रोज फ्लावर ही लगाऊंगी। उसके लिए मैं हॉट ग्लू गन का यूज करूंगी। देखिए हम अपना एक रोज फ्लावर लेंगे वाइट कलर का, उसके पीछे हॉट ग्लू लगाएंगे, डोरी को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके पीछे हम चिपका देंगे। इसका सूखने का इंतज़ार करेंगे। देखिए ऐसे ही हम दूसरी डोरी भी लगा लेंगे। ये देखिए मैंने अपने दोनों डोरी में ये लगा लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स यही ड्रेसें बाजार में बहुत महंगी महंगी मिलती हैं, और लेकिन हम घर में ही इनको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू से मैंने अपने स्टोन्स चिपका रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही मैं फ्लावर के ऊपर भी अपने, जैसे मैंने बाकी फ्लावर्स के ऊपर चिपकाए हैं, सेम ऐसे ही मैं इन फ्लावर्स के ऊपर भी अपने सिल्वर स्टोन्स चिपका दूंगी। मेरी ये ड्रेस पूरी बनकर तैयार है। इसके साथ की चोली और इसके साथ का फ्रेंड्स बिल्कुल मैं वाइट कलर का ही मुकुट बनाऊंगी, जिसकी वीडियो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये ड्रेस पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको कुछ कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ, या मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आप ऐसी ही और सुंदर सुंदर ड्रेसेस, ब्यूटीफुल ड्रेसेस अपने कान्हा जी के लिए घर पर ही इजीली बनाना सीख सकें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।